एक दिन राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए जान बुझ करके अपना चरण का जो पायल है जो नुपुर उन्होंने छोड़ दी। रात सवेरे जब गया देखा घना घोर जंगल में एक सोने का चमचमा तो ये नुपुर है, तो उन्होंने नुपुर लेकर गुरु जी को पास में गए। लेकिन गुरु जी तो साधारण नहीं, वो जीव गोस्वामी और राधा रानी की दिक्कत करी गए। वो नुपुर देख कर तो पहचान गए, बोले ये तो किशोर जी की चरण नुपुर है। बोले देख बेटा, राधा रानी तेरे को दर्शन देने का बहाना बनाया, कोई अगर नुपुर लेने के लिए आए देना नहीं, बोलना जिनके चरण की नुपुर वो स्वयं आए और मैं अपना हाथ में पहना दूंगा। अभी ललिता विशाखा दो छद्म वेश में छुप कर लीला देखने के लिए रूप बदला करके आए। बोले बाबा बाबा, हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, कहीं चरने की नुपुर गुम गया, तेरे को क्या मिला है? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनका चरने की नुपुर को सोए पाए। ये घर की बहू है और तू संत हो, तू कहता हो हमारे घर की बहू के प्यार में नुपुर परिणाम सर नहीं लगा है, अगर अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो अभी हम भैया को बुला करके लाइन पर तेरे धुलाई हुई है। बोले जो कुछ बोलना बोल दो, गुरु जी ने क्या बताया? बोले उनकी चरण में पहना ना बहाना बनाए तेरे को दर्शन देने के लिए। बोले जो कुछ बोलना बोल दो भैया, हम तो उनकी चरण में नुपुर पहनाएंगे। फिर ललिता विशाखा बोले राधे, वो तो ऐसे ऐसे बोलता है। बोले एक काम करो, उसको बोलो हमारी घर की बहू ऐसे नहीं आएगी, पहले अपना आंखों में काला पट्टी बांध दे, फिर आ। बोले कोई बात नहीं, स्वयं राधा रानी वहां पर आती है और वो संत अपना हाथों से राधा रानी के चरण में नुपुर पहनाती है। राधा जी की चरण स्पर्श होते ही उसकी रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया। बोले हे राधे, जब आप इतने दूर तक कृपा की हो मुझे दर्शन दे। राधा रानी तो दर्शन देना ही चाहता, फिर उन्होंने आंखों से काला पट्टी खोल दिया, फिर उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन किए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और राधा रानी उनका एक नया नाम दिया, पहले था कृष्णदास, आज से तेरा नाम श्यामानंद, और अपना नुपुर से उनको जो तिलक है ना, अपना नुपुर से उनको तिलक पहना दिया। वृंदावन जाओगे तो एक ठाकुर दर्शन करना, उनका नाम श्री श्याम सुंदर ठाकुर, वो ठाकुर देखोगे ना, वो ठाकुर भी जैसे हम तिलक लगाते हैं उसको बीच में ठाकुर भी वो नुपुर का चिन्ह धारण करते, क्यों? राधा रानी अपना हाथों से पहना दिया था। इसलिए यहाँ पर सांची और ऋषि कहते हैं देखो कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में, अभी भी पूर्ण रूप में अभी है। देखो और एक स्टोरी समझो, एक समय एक व्यक्ति का पत्नी का नाम था किशोरी, वो सचमुच से बड़ी पतिव्रत नारी थी और देखने में बड़ी सुंदर थी। शादी को कुछ दिन पहले बाद में उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन पति उसको पर बहुत ही आसक्त था, क्यों? बड़ी पतिव्रता, देखने में बड़ी प्यारी थी, पति की बड़ी सेवा करता था। अभी उसने जब पति पत्नी कम उम्र में शरीर छोड़ दिया, वो आसक्ति था, अभी उसने पत्नी की चिंता करते करते हो गया पागल। अभी दिन रात हाँ किशोरी तो कितनी अच्छी थी, हाँ किशोरी तुम थाला भर भर कर खिलाती थी, हाँ किशोरी थी कितने प्यारी। अभी पत्नी का नाम ले लेकर रो रो कर कैसे वृंदावन में आ गया, अभी वृंदावन में भी नींद नहीं आ रहा, रात भर हाँ किशोरी बोल कर चित्कार कर रहा है। लेकिन वृंदावन में चार तरह का रास है, कितना तरह का रास है? भगवान की चार तरह का रास है, एक महारास है, एक शारदीय रास है, एक बासंती रास और एक नित्य रास है। रास करती है। अभी राधा रानी अपना सहेलियों के साथ में रास रचाने के लिए आए, आई तो देखा ये व्यक्ति हाँ किशोरी तो कितनी अच्छी थी, हाँ किशोरी तो कहाँ चली गई, हाँ किशोरी। और वृंदावन में किशोरी बोल करके ना सबके सबसे राधा रानी को बोलते हैं किशोरी, क्योंकि नित्य किशोरी से राधा रानी। अभी राधा रानी का कान में जो आवाज टकराई, इतने में राधा रानी ललिता को बोले ललिते देखो कोई मेरा भक्त आ गया, देखो रात भर सोया नहीं, मेरे नाम को ले लेकर के गए, इसलिए चीख चीख करके मेरे नाम को ले रहा है, जा उसको मेरे पास में लेकर के आओ। इतने में ललिता ने डांट लगा दी।
उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी सुंदरी पतिव्रता थी, काम उम्र में शरीर छोड़ दिया तो वो उसको पर आसक्त था, इसलिए अपना पत्नी का नाम को ले लेकर वो पागल हो गया, अपना पत्नी को बुला रहे तेरे को तू चुप रहो। देखो दो व्यक्ति का अगर एक नाम हो ना, अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाऊं दूसरा व्यक्ति आवाज है क्या मुझे बुला रहे हो। उसी तरह वृंदावन में किशोरी राधा रानी को दुनिया जानते हैं, जब उसने किशोरी किशोरी बोल रहे थे इतने में राधा रानी का नाम कान में आवाज बार बार टकरा रहा था, किशोरी किशोरी किशोरी। इतने में राधा रानी बड़ी दया, राधा रानी बड़ी कृपा से, राधा रानी हैं अभी राधा रानी को सहन नहीं हुआ, देख ललित मेरे को पता है वो अपना पत्नी को ही बुला रहा है, लेकिन वो कहां पर आया, बोले मेरे ध्यान में आया, लेकिन ये किशोरी नाम है किसकी, बोले मेरी, ये किशोरी नाम मेरी है, उसको दी गई किशोरी नाम, लेकिन नाम तो मेरी है ना, और मेरे धाम में आकर के बुला रहा है, जा उसको लेकर जा। जब ललिता उसको लेकर के आई, राधा रानी उसका सर पर हाथ रखते ही, वो एक पागल था लेकिन हाथ रखते ही ना वो दूसरा पागल हो गया। इसलिए कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है मिट्टी नारी के, कहते जितने सारे पागल ना झूठे पागल है, लेकिन असली पागल कौन है, जो पागल है श्री राधा रानी के, इसलिए असली पागल जो राधा रानी का प्रेम में जो पागल हो जाए, इसलिए जब तक आप पागल नहीं होंगे ना ठाकुर से मिलने वाले नहीं है, एक दिन तुम्हें पागल होना ही तुम्हें होना ही पड़ेगा, इसलिए बड़ा सुंदर भजन भी है। I'm not
वृंदावन धाम की सेवा करोगे ना ईश्वर।